सीएस का सैलरी कितना होता है? दोस्तों यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं कंपनी सेक्रेटरी है, और सीएस किसी का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होता, वो कंपनीज के सेक्रेटरी होते हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव लेवल का पोस्ट है, तो आप सोच ही सकते हैं कि एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव लेवल में कितना सैलरी मिल सकती है। और सीएस करने के बाद जॉब ही एकलौता ऑप्शन नहीं बचता, आप अपना फर्म भी खोल सकते हैं और अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी चला सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सैलरी को डिस्कस नहीं करने वाले, यानी सैलरी कितना होती है वो तो बताने ही वाले हैं, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी, साथ ही साथ सीएस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट कितना कमा सकता है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों इस वीडियो को हम तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट देखेंगे अगर आप सीएस कंप्लीट करने के बाद सीएस फर्म खोलते हैं तो कितना अर्निंग हो जाता है। नेक्स्ट हम जो लोग जॉब करते हैं उनको कितना सैलरी मिलती है वो भी देखेंगे, और लास्ट में जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं फर्म हो तो कितना कमाया जा सकता है। दोस्तों सीएस वो चुनिंदा कोर्सेज में से एक है जिसे करने के बाद एक इंसान अपना एक वैल्यू रखता है, उसके सिग्नेचर का भी वैल्यू होता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए उनकी तरह। और सीएस के फर्म को आप एक तरीके का बिजनेस ही मान सकते हो, क्योंकि वो किसी के अंडर काम नहीं करते। अब जो लोग सीएस के फर्म ओपन करते हैं उनको काम की अभाव कभी नहीं होता। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं सीए जो फर्म होती है उसमें भी सीएस का जरूरत होता है। मेरे आर्टिकलशिप के टाइम वहाँ हम जब आरओसी का काम करते थे तो वहाँ कुछ कुछ आरओसी का काम होता था, वहाँ सीएस के साइन के बिना अपलोड ही नहीं होता था। जैसे MGT7 उसमें सीएस की सिग्नेचर मैंडेटरी होती है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीएस के लिए ऐसे ही बहुत सारे काम रिजर्व रखे हैं, जैसे एग्जांपल सेक्रेटरी लोडिंग जिसको सिर्फ सीएस ही कर सकता है। उसके अलावा नॉर्मल टैक्स, जीएसटी ये सब काम भी कर सकते हैं अगर ऑडिट ना हो तो। आप मान के चलिए एक छोटी से छोटी सीएस फर्म जो अभी अभी ओपन होके 2-3 साल हो गया है वो भी मंथली मिनिमम 1 लाख तो कमा ही लेगा, और जैसे जैसे फर्म पुराना होते जाता है फर्म का इनकम भी डबल होते जाता है और आप करोड़ों में भी कमाने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो लोग जॉब करते हैं वो कितना कमा लेते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम जॉब साइट्स की माने एक फ्रेशर सीए को मिनिमम 7-10 लाख की ईयरली पैकेज तो मिली जाती है, और ये आप naukri.com के साइट में विजिट करके भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप ICSI की ऑफिशियल प्लेसमेंट पोर्टल पे जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी लिस्टेड रहता है, प्राइवेट जॉब भी लिस्टेड रहता है, आपको मंथली 60,000 की जॉब इजिली मिल जाती है। यहाँ मैं कुछ स्क्रीनशॉट एग्जांपल के तौर पर रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है आपकी सैलरी भी करोड़ों में भी जाती है, क्योंकि आप सोचो ना सीएस वो होते हैं जो की मैनेजरियल पर्सन होते हैं जिनके द्वारा कंपनी चलती है, जो डिसीशन लेते हैं। अगर मैं 2015 की डेटा आपको दिखाऊं, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी की ईयरली पैकेज 2.88 करोड़ था, ICICI बैंक का जो सीएस है उसका सैलरी 1.84 करोड़, रिलायंस 99 लाख, HDFC बैंक का सीएस का जो सैलरी है वो है 90 लाख। यह मैं आपको 2015 की डेटा से बता रहा हूँ। और एक बात, ये जो सैलरी मैंने आपको बताया है ये गवर्नमेंट सोर्स से नहीं है, ये मुझे इंटरनेट पे मिला, 2-3 वेबसाइट से मैंने विजिट किया, उसके बाद ही मैं कॉन्फर्म करके आपको बता रहा हूँ, ये इधर उधर हो सकता है। अब जान गए हो तो कमेंट सेक्शन में भौकाल मत मचाना, 1 करोड़ नहीं था वो तो 2 करोड़ था, ये वो। और नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो कितना अर्निंग हो जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस यानी सीएस का जो कोर फील्ड नहीं होता है उससे हट के। दोस्तों ये कड़वा सच है, स्टूडेंट सीएस कोर्स सिर्फ जॉब पाने के लिए ही करते हैं, उनका मेन मोटिव जॉब पाना ही होता है। पर सीएस कोर्स में जो भी कंपनी और फर्म की नॉलेज देते हैं सिलेबस में, उसे इम्प्लीमेंट करें अगर आप खुद के बिजनेस में, तो सच बताता हूँ ग्रोथ बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि आपको बिजनेस की बारीकियाँ पता होती है, तब आप करोड़ों में भी कमा सकते हैं। चलिए अब समराइज कर लेते हैं, अगर आप रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं तो सीएस क्वालिफाई करके आप जॉब फील्ड में जाएं, वही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आपको सीएस की कोर वर्क करना है तो आप अपना फर्म खोल के जॉब वालों से कई ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और तीसरा बिजनेस, उसमें तो आप अर्निंग अनलिमिटेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सीएस लवर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।